हेलो स्टूडेंट्स, मैं मासु पांडे आज आपका इस वीडियो में क्लास 7 मैथ्स के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। आज का टॉपिक मेरा क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इवन और ऑड इंटीजर्स, उसमें देखा था हमने कि कोई भी इंटीजर्स, जैसे कि मान लीजिए 15 है, यदि यह 2 से डिविजिबल नहीं है, यह पूरा यदि 2 से डिविजिबल नहीं है तो यह ऑड इंटीजर्स है। यदि मान लीजिए कोई इंटीजर से वह 2 से डिविजिबल है पूरा का पूरा, तो आपका इवन इंटीजर है। इसके बारे में पढ़े थे, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स के प्रॉपर्टी के बारे में। आइए देखते हैं इंटीजर्स की प्रॉपर्टी। देखिए तो यहां देखेंगे हम कि देयर आर 5 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स की 5 मेन प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और लास्ट है आपका आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। कुछ और प्रॉपर्टी होती हैं लेकिन ये प्रॉपर्टी इसकी मेन प्रॉपर्टी है। तो हम लोग एक एक प्रॉपर्टी को करके देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी कैसी होती है और कौन सी प्रॉपर्टी अच्छी लगती है, कौन सी प्रॉपर्टी बुरी लगती है। तो बुरी प्रॉपर्टी इसकी कोई नहीं है, सारी प्रॉपर्टी अच्छी है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करता है, देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी यह कहता है कि यदि आप किसी दो इंटीजर्स को लेते हैं और उन दोनों इंटीजर्स को एड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। अब डिवीजन में यह प्रॉपर्टी लागू होती है कि नहीं होती है उसको पहले यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इस प्रॉपर्टी को किसमें, एडिशन में। तो पहले देखते हैं एडिशन में कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में देखेंगे एडिशन में, क्लोजर प्रॉपर्टी का अर्थ क्या है कि इफ ए, दो इंटीजर्स, इफ A एंड B आर टू इंटीजर्स सच दैट, ठीक ना। पहले हम इसकी डिफिनेशन से लिख देते हैं, आप डिफिनेशन से देख लीजिए। तो डिफिनेशन से लिख लीजिए, डिफिनेशन इसकी यह है कि इफ इफ A एंड B आर टू इंटीजर्स इंटीजर्स देन इट्स रिजल्टेंट इज क्या, इंटीजर्स। इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर then two integers, then its resultant is always is integers। अब उसका resultant किस चीज पर resultant, इसका resultant या तो addition पे हो सकता है, या तो multiplication पे हो सकता है, या तो division पे हो सकता है, या तो subtraction पे हो सकता है। इन चारों में से किसी पर भी इसका operation हो सकता है। अब इसके पहले operations देखेंगे addition पे, किसका addition पर resultant क्या होता है देखते हैं। addition पर resultant इसका, आप इस डिफिनेशंस को नोट कर लीजिएगा। तो देखते हैं सबसे पहले एडिशन फेज का क्या होता है, सब पे देखेंगे साथ ही साथ। एडिशन और यहीं कर लेंगे हम लोग सब्ट्रैक्शन पे। पहले एडिशन पर देखते हैं, एडिशन पर देखिए तो मान लीजिए हम दो इंटीजर ले लिए, हमने एक इंटीजर ले लिया 5 और एक इंटीजर ले लिया 6, दोनों को ऐड किया तो क्या आया 11। 11 आया तो बताइए 5 भी इंटीजर और 6 भी इंटीजर और 11 भी क्या है, इंटीजर्स। तो डिफिनेशन भी यही कह रहा था कि जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, इंटीजर्स, इंटीजर आ भी रहा है। तो मतलब जो एडिशन है वह किस पर अप्लाई हो रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन पे अप्लाई हो जा रही है। सब्ट्रैक्शन का देखते हैं, मान लीजिए हम ले लिए 5 और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए 6 में, 6 से। तो 6 को 5 से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो जो रिजल्टेंट हो क्या होगा,
माइनस वन होगा। तो बताइए माइनस वन इंटीजर है कि नहीं, तो माइनस इज वन इज ऑलवेज इंटीजर्स, इट इज नेगेटिव इंटीजर्स। और एग्जाम्पल लेते हैं, यहां देखिए इसे टेन ले लें, यहां ले लें टू, ये क्या हो जाएगा रियल टेन, एट, एट भी क्या आपका है इंटीजर्स है। तो यानी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है एडिशन पर भी अप्लाई हो रही है, सब्ट्रैक्शन पर भी अप्लाई हो रही है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन पर देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन और यही डिवीजन देख लेते हैं, देखते हैं इस पर अप्लाई होती है कि नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन मान लीजिए हम कोई दो इंटीजर ले लिए, एक इंटीजर ले लिए टू और एक इंटीजर ले लिए सिक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा रिजल्ट आपका 12। तो बताइए टू भी इंटीजर है और सिक्स भी इंटीजर है और 12 भी आपका इंटीजर है, मतलब कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो हम मल्टीप्लिकेशन पर भी अप्लाई हो रही है। डिविजन भी देख लेते, मान लीजिए आपके पास एक इंटीजर है सिक्स और दूसरा इंटीजर है टू, मल्टीप्लाई किए तो थ्री आया, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन पर भी अप्लाई हो रही है, नहीं डिवीजन पे अप्लाई नहीं हो रही है। अच्छे कैसे नहीं हो रही, देख लीजिए हमने तो एक एग्जांपल ये कट गया, अगला एग्जांपल लेते हैं 5 डिवाइड बाय 2। अब बताइए 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये अलग है, हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे रिजल्ट क्या आता था 2.5, रिजल्ट 2.5 हुआ। अब बताइए 2.5 जो है यह इंटीजर है क्या, 2.5 इंटीजर नहीं है, मतलब कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वह डिवीजन पे अप्लाई नहीं होती है, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पे ही अप्लाई होती है। मे बी क्लोजर प्रॉपर्टी का डेफिनेशन भी समझ में आया होगा आपको और इसका एग्जांपल भी समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए यदि आप एक एग्जांपल ले रहे हैं तो दूसरा भी एग्जांपल ले ले, आप दो दो एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर्टी समझ में आएगी। यदि हम इसको एक ही एग्जांपल में सॉल्व की होती तब तो हम कह देते कि भाई क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन पे भी अप्लाई हो रही है, लेकिन दूसरे ही एग्जांपल में क्या हो रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन पे अप्लाई नहीं हो रही है, तो हम बोल सकते हैं यदि कोई भी एग्जांपल फेल कर गया तो हम बोल देंगे कि वो प्रॉपर्टी उस पर अप्लाई नहीं हो रही है। आइए अब डिस्कशन करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। तो ये समझ में आया होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तब तक आप इस क्लोजर प्रॉपर्टी के डिफिनेशंस और कुछ एग्जांपल्स खुद से सॉल्व कीजिएगा और समझिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।